हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती है फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज की जो सीरीज है हमारी वो कौन सी चल रही है और आज का वीडियो हमारा किस पे होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं, यानी कि जो इससे पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसी की सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का जो ये वीडियो है उसका पार्ट टू रहेगा, और पार्ट वन क्या था पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि जो नए लोग जुड़े होंगे इस वीडियो पे वो पिछली वीडियो को देखकर उसको समझ के इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है ट्रेन मैन एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया कहूँगा, थैंक्स कहूँगा, कि जो मैंने ट्रेन मैन एप्लीकेशन का पार्ट वन बनाया था, जिसमें मैंने बताया था अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपको अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, यानी जो आपको पैसे कमाने हैं उसका प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। दोस्तों, उस वीडियो को आपने काफ़ी सपोर्ट किया और आपने काफ़ी देखा भी है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है ट्रेन मैन एप्लीकेशन के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे सारी जितनी भी मेरी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस रहेंगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, चाहे पार्ट वन हो, ये जो पार्ट टू आपको मिल रहा है पार्ट टू हो, आगे जो भी आएगा पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट सिक्स, जितने भी इसके पार्ट्स मैं बना सकूँगा वो सारे आपको वहाँ पे अवेलेबल मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी करा दिया है मैंने, तो आप फटाफट से जाइए दोस्तों मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट टू को ज़रूर देखें। और अब मैं इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी बेसिक आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को पूरा देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं बता नहीं सकता। आप जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं, जैसे थर्ड एसी हो गया, स्लीपर क्लास हो गया, तो आप अपनी यात्रा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस ऐप के थ्रू अर्निंग कैसे करनी है, कैसे उसके वॉलेट में पैसा अर्न करना है, तो जाइए मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं तो। चलिए, आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसका ये पार्ट टू रहेगा ट्रेन मैन एप्लीकेशन का। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में हम अपनी प्रोफाइल को एडिट कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो ऑप्शन होते हैं उसका क्या क्या यूज़ होता है। मतलब कि जो कुछ ऑप्शन बताऊँगा मैं आपको, सारे तो नहीं बताऊँगा एक वीडियो में, बट पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे करके वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। और दोस्तों, यदि आप पार्ट थ्री चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, तभी मैं पार्ट थ्री लाऊंगा। जैसे कि पार्ट टू के लिए काफी कमेंट आए थे कि पार्ट टू बनाया जाए, इसका आगे वीडियो कंटिन्यू की जाए, तभी मैं ये वीडियो ला रहा हूं। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्रेम प्यार से ही मैं वीडियो ला पाता हूं और मोटिवेट हो पाता हूं, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो का थोड़ा मैं टाइटल आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन के जो मेन मेन ऑप्शन है उनका क्या यूज है, और जो कुछ टैब्स दिए होते हैं हमें उनका क्या यूज है, ठीक है। तो आपने वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किया तो आपको जानकारी आधी अधूरी मिल पाएगी और उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जानकारी हासिल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से पहले उसको देखिए और अपनी अर्निंग स्टार्ट कीजिए, पैसा कमाना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप भी अपनी यात्रा फ्री कर पाएं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेन में यात्रा कर पाएं। कम से कम एक या दो या तीन जितने भी यात्रा आपकी फ्री हो सकती है, उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि वो तरीका आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, और दोस्तों जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे सेट कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक लाइक भी करेंगे
तो मुझे काफ़ी मोटिवेशनल मिलता है और मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इस एप्लीकेशन का लेआउट और इंटरफेस। तो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और इस एप्लीकेशन को जैसा कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, यानी जब आप इस वीडियो को प्ले कर रहे हैं और आप नीचे देखेंगे कमेंट बॉक्स मिलता है आपको, वहां पे आपको पहला कमेंट मेरा मिल जाएगा जो कि मैंने पिन किया हुआ है। उस कमेंट बॉक्स में मैंने इस जो पार्ट वन है मेरा ट्रेन मैन एप्लीकेशन का, जिससे आपको पैसा कमाना है, जिससे आपको अर्निंग अपनी स्टार्ट करनी है, उसका पूरा प्रोसीजर मैंने उस वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो भी पूरा देख लीजिए, तो आप अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे और अच्छे से इस एप्लीकेशन को समझ पाएंगे। और दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट थ्री आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तभी मैं पार्ट थ्री ला पाऊंगा, क्योंकि आपका एक भी कमेंट आता है तो वो मुझे काफी मोटिवेट कर जाता है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे इसके यूज के लिए बने हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है दोस्तों मेरी मेहनत के लिए, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। और दोस्तों, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो को शेयर किया था, ताकि लोगों को पार्ट टू भी मिल पाए उन्होंने पार्ट वन देख लिया है। और पार्ट वन भी शेयर आपने नहीं किया अभी देखने के बाद भी, तो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी लाभ मिल पाए, अन्यथा मैंने प्लेलिस्ट तो बनाई दी है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, तो देखिए मेरे सामने एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारे फोन में दोस्तों जो बैक बटन, ओवरव्यू बटन और होम बटन होता है ना, उसके जस्ट ऊपर इसमें हमें तीन या चार टैब मिल जाते हैं। ठीक है, पहले हम उन टैब्स को देखेंगे, वो किस किस के क्या नाम है उन टैब्स का और क्या यूज है। तो सबसे पहले टॉप राइट में मुझे मिल जाता है सपोर्ट का। ठीक है, सपोर्ट टैब मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन पूरे तरीके से एक्सेसिबल है, कोई भी इनएक्सेसिबिलिटी का इशू इसमें आपको नहीं आने वाला है। तो चलिए, जो सपोर्ट का ऑप्शन है इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता है नीड हेल्प। तो सपोर्ट का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट हेल्प ही होता है, तो नीड हेल्प यहाँ पे आके अब मैं राइट स्वाइप करूंगा, देख सकते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से सोर्स से हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए मैं राइट स्वाइप करता हूँ, देखिए नीड हेल्प इसकी हेडिंग आ गई। देखिए इव कॉल, आगे चलेंगे कॉल अस, आगे चलेंगे 7428518704। देखिए ये इनके कस्टमर केयर का नंबर है, ये इनका ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, आप यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 PM तक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस बीच कॉल करेंगे तो ट्रेन मैन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू आता है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम, देखिए इव ईमेल, ईमेल आईडी बताएगा आगे BOOKING@trainman.in। ये इनकी ईमेल आईडी है दोस्तों, आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, ईमेल आप कभी भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आगे चलेंगे Availability, आगे Friday, बस Mac। ये दो ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, एक तो आप कॉल कर सकते हैं और एक आप ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक बार बैक कर दूंगा। अब जैसे ही दोस्तों मैं बैक कर दूंगा, तो आपने देखा कि सपोर्ट के ऑप्शन से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। ठीक है, अब उसके जस्ट बगल में देख लेते हैं हम, यहाँ पे यहाँ पे मिलता है वॉलेट का ऑप्शन। तो वॉलेट का ऑप्शन जो है वो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, वॉलेट में कैसे आपकी जो अर्निंग है या आप जो पैसा कमाएंगे वो कैसे ऐड होगा, कैसे वॉलेट ऑप्शन में जाकर आप अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं, और किस तरीके से ये देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने आपको अर्निंग कराई है, और वो जो अर्निंग है वो कब तक वैलिड रहेगी, और वो अर्निंग का उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया।
ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन को मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। अब इससे अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे आता है ट्रिप्स। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, देखिए नो बुकिंग यू आर फाउंड। दोस्तों ट्रिप्स का मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू जब आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ट्रेन मैन एप्लीकेशन, आप समझ गए होंगे ट्रेन के नाम से, ये टिकट बुकिंग करने के भी काम आता है और बहुत सारे फीचर है इसमें, ठीक है। IRCTC एप्लीकेशन का ये ऑथराइज पार्ट टू ऐप है, उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है, ऑथराइज है IRCTC से। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने कोई टिकट बुक किया होगा तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिखा देगा, ट्रिप्स दिखा देगा कि आपने कौन कौन सी ट्रिप अपने यानी ट्रेन का टिकट बुक कर रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार इधर से वापिस देख लेता हूँ, उसके बाद मिलता है होम, तो होम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गला भी खराब है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो होम पे मैं वापस से इसके होम पेज पे आ गया, ठीक है। तो ये चार टैब आपको यहाँ मिल जाते हैं, पहला मिलता है सपोर्ट, दूसरा मिलता है वॉलेट, तीसरा मिलता है ट्रिप्स और चौथा मिलता है होम सिलेक्टेड। तो ये चार टैब के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऊपर की साइड आपको टॉप राइट में एक मोर ऑप्शन का बटन मिलता है, देखिए मोर ऑप्शन, ठीक है। तो हम मोर ऑप्शन में देख लेते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही दोस्तों मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं राइट स्वाइप करते करते आगे चलूंगा, देखिए मोर फीचर्स, आगे चलेंगे मोर ऑप्शन टू, आगे चलेंगे My IRCTC बुकिंग। आप दोस्तों यहाँ पे अपनी IRCTC रिलेटेड सारी बुकिंग चेक कर सकते हैं। आगे चलेंगे TM कैश, देखिए TM कैश ये वही ऑप्शन है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जब आप अर्निंग करते हैं तो आपका TM कैश कहाँ पे क्रेडिट होता है वो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ जाएंगे। आगे चलेंगे हम, देखिए रेफर्ड एंड अर्न, ठीक है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आगे चलेंगे देखिए हेल्प एंड सपोर्ट, अगर आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो नीचे सपोर्ट का बटन था वहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी आप हेल्प एंड सपोर्ट इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ले सकते हैं। आगे चलेंगे देखिए यहां पे आप अपना टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका टिकट अभी वेटिंग है या फिर आपका टिकट जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है। आगे चलेंगे हम, यहाँ पे देखिए लिंक योर IRCTC अकाउंट, ठीक है। तो IRCTC अकाउंट को लिंक कैसे करना है इस एप्लीकेशन के साथ, अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, इसके लिए भी मैं अलग से एक पार्ट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में केवल और केवल ऑप्शन आपको बता रहा हूँ ताकि पहले आप ऑप्शन को समझ पाए, उसके बाद एक एक ऑप्शन को डिटेल से भी एक्सप्लेन करके वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आप IRCTC जो एप्लीकेशन का अकाउंट होता है उसको इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, उस पर एक वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे चलूंगा मैं, IRCTC Q&A इसका मतलब क्या होता है और इसको भी कैसे यूज करते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, इस पे भी एक अलग से वीडियो बन जाएगा। आगे चलेंगे, देखिए तत्काल बुकिंग ट्रिप्स, यहाँ पे आप तत्काल बुकिंग का भी देख सकते हैं, ट्रेन टिप्स, यहाँ पे ट्रेन टिप्स के बारे में देख सकते हैं, cancel/diverted train, अगर ट्रेन कैंसिल हुई है या डिवर्ट हुई है उसके बारे में देख सकते हैं, ट्रेंड्स एनालिसिस, ट्रेंड्स एनालिसिस देख सकते हैं, चेंज लैंग्वेज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का, थीम, यहाँ पे इसकी थीम देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं, फैक्स देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के, चेक योर स्पीड चेक कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, आप शेयर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, रेट यूएस आप इस एप्लीकेशन को रेटिंग दे सकते हैं, प्ले स्टोर में ले जाएगा सीधा आपको, यहाँ पे न्यू सोर्स इसका देख सकते हैं, सर्च बाय स्टेशन, देखिए तो यही ऑप्शन आपको मोर ऑप्शन में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे बैक कर दूंगा। अब दोस्तों अभी हमने टैब्स के बारे में जाना और मोर ऑप्शन में क्या क्या इन्होंने फीचर दे रखे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया। अब उन ऑप्शंस को डिटेल में अलग अलग वीडियोस में पार्ट में कन्वर्ट करके आपको मैं इसी चैनल पे देता रहूंगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल का, इस एप्लीकेशन में इस वीडियो में आपको ये भी
बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कैसे कर सकते हैं। जब हम इस एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाने के बाद जो हम मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, नाम डालते हैं, तो उनको हम एडिट भी कर सकते हैं, बाद में नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, टॉप लेफ्ट में आपको एक बटन मिल जाता है, यहाँ पे ये इव अर्कन या कुछ भी ऐसा बटन बोलेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। Profile. जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राइट स्वाइप करूंगा। राइट स्वाइप करते करते आगे चलेंगे हम। देखिए प्रोफाइल हेडिंग आ गई। V9.2.6.2 ये इसका वर्जन बता दिया एप्लीकेशन का। यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ गया, यहाँ पे आपका नाम बोलेगा अगर आपने इस पे अकाउंट बना रखा है तो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, ईमेल आईडी दिखाएगा, सॉरी सबसे पहले taranjaneha37@gmail.com। देखिए यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी दिखा रहा है और ये आगे दिखाएगा वेरीफाइड। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर रखी है। ठीक है, आगे चलेंगे। फोन नंबर दिखाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड दिखा रहा है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने ऐड नहीं किया है तो अभी करके भी दिखा दूंगा आपको। स्लैश एडिट प्रोफाइल। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है तो सिंपली आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। अगर आपको एडिट नहीं करना है तो आपको सिंपली छोड़ देना है इसको। ठीक है, चलिए मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने फिर से वही ऑप्शन खुल गया है। आगे चलता हूँ मैं। नेविगेट अप प्रोफाइल v9.taranjaneha ईमेल, देखिए ईमेल आ गई taranjaneha37@gmail.com। अब दोस्तों, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इस ईमेल को डिलीट करके दूसरा ईमेल यहाँ पे दे सकता हूँ। फोन नंबर आ गया, 7 वेरीफाइड। आगे चलेंगे, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं किया था। और ऐसे मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डिलीट करेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर डाल के डन कर देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे स्लैश एडिट डॉप, देखिए एडिट डॉप, इस पे क्लिक करेंगे। 2021M12/18 देखिए मेरे सामने यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया। ठीक है, इसका चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 2021M12/18 17 M12 17 18 cancel। ओके, कैंसल आ रहा है और ओके आ रहा है। ठीक है, 2021 2020। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ईयर चूज करूंगा, यहाँ पे आप मिडल में टच करेंगे। 2021 देखिए 2021 आ रहा है। एक बार आपको मिडल में टच करना है, उसके बाद राइट स्वाइप करते करते आगे चलना है। देखिए टच आपको कहाँ पे करना है, 2020 2021 M12/18। देखिए जहाँ पे ऐसा बोलेगा ना 2021 M18 ऐसा बोलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको 2020 बोलेगा ये। ठीक है, उसके बाद आपको राइट स्वाइप करते करते चलना है। 20M11 2021 और आगे चलेंगे थोड़ा सा। 2021 2020 2020 showing number keyboard। देखिए 2021 पे जैसे मैंने क्लिक किया, 2021 delete, मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूंगा एक बार। delete, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1997। आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। आप 2021 पे भी क्लिक कर सकते हैं, 2020 पे भी क्लिक कर सकते हैं। 1997 तो ये मैंने यहाँ पे अपना जो ईयर है वो डाल दिया। देख लेते हैं 2021 M12/18 2020 1997। देखिए 1997 मैंने डाल दिया यहाँ पे। 18 M12 देखिए M12 मंथ कौन सा है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। Showing English India अब मैं मंथ अपना यहाँ पे M10 चलिए मैं यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ अपना। जो मेरा मंथ है वो 04 है। M10 deleted back digit 1997 1996 1997। तो दोस्तों, एक तरीका तो ये हुआ हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करने का। अब एक तरीका मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार इसको कैंसिल करूंगा। cancel. अब मैं डेट ऑफ बर्थ देख लेता हूँ मेरी यहाँ पे क्या डली है। edit prof 18/12/1997 देखिए 18/12/1997। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दोबारा से एक नया तरीका बताता हूँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करने का। एडिट डॉप पे क्लिक करेंगे। 2020. अब देखिए यहाँ पे 2020 बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डबल टैप करना है। M12 जैसे आप इस पे 29 आ गया, आप इस पे डबल टैप करते करते जाएंगे। तो चलिए मैं 1997 तक जाता हूँ इस पे। M12 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 M12
देखिए 2010 तक मैं आ गया, आगे चलेंगे हम, इसका डबल टैप करते करते आगे चलेंगे। देखिए 2000 पे आ गए मैं, फिर से डबल टैप करूंगा तीन बार और। देखिए 1997 आ गया, ठीक है। उसके बाद जब मैं राइट स्वाइप करूंगा 1998 भी बोल रहा है, इसको छोड़ेंगे हम। 1999 M11. अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है M11. M11 का मतलब क्या हुआ कि 11वां मंथ आपका यहाँ पे चूज हो रखा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। M11 M10 M04 का मतलब आ गया कि चौथा मंथ यानी अप्रैल। तो आप यहाँ पे डबल टैप करके मंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, और राइट स्वाइप करेंगे तो वो डिक्रीज भी हो जाएगा। ये देखिए M04 पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अब हम यहाँ पे जो हमारी डेट है वो चूज करेंगे। देखिए 17 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे चूज करना है 9। देखिए 11 पे आ गया 17 से, इस पे फिर से आपको डबल टैप करते करते इस पे आगे जाना, राइट स्वाइप नहीं करना है, इन्हीं पे ही डबल टैप करना है। ये देखिए डबल टैप किया, 06 आ गया, ठीक है। तो 06 आ गया तो मुझे 09 करना था, ठीक है। 07 पे क्लिक करूंगा, 08 यहाँ पे एडिट बॉक्स भी देखिए खुल चुका है। 07 delete. तो मैं यहाँ पे 09 डाल देता हूँ। 09 उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके okay. आप चाहे तो एडिट बॉक्स पे भी क्लिक करके कर सकते हैं और डबल टैप करके भी कर सकते हैं। चलिए मैं ओके कर दूंगा। अब जैसे मैंने ओके किया था, यहाँ पे 9/4/1997 हो जाना चाहिए था। देखते हैं edit profile, edit top. 09/04/1998 देखिए यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, ठीक है। 04/09/1998, ठीक है। तो मुझे यही करना था, तो मेरा यहाँ पे सिंपली डेट ऑफ बर्थ हो गया ऐड, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। edit profile पे सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, बीच में एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से काफी जो वीडियो में है डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा इस पेज पे आपको दिखा रहा हूँ। जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। Reasons, back, आगे चलेंगे हम यहाँ पे home, navigate up, profile, V9, email, current phone, 7 verified, date of 10/0, edit top. Save changes का आपको एक बटन मिलेगा, आप सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे इस पे क्लिक कर देंगे अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो बीच में कॉल आ रहा था बार बार, इसलिए मेरे को वीडियो को बीच में रोकना पड़ा और वापस से वहां से कंटिन्यू करना पड़ा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, कई बार बीच में कुछ कॉल्स आ जाती हैं अर्जेंट, उनको अटेंड भी करना पड़ता है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि आप जो इनके टैब्स हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं, और जो मोर ऑप्शन में फीचर दिया गया है वो कौन कौन से हैं, और जो प्रोफाइल है हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका पार्ट 3 चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे किया हुआ है। तो अगर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों इसका पार्ट 1 अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है तो जाइए फटाफट पार्ट 1 देख लीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पहले ही वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, उसको क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ताकि आप भी इससे पैसा कमा सके और अपनी फ्री ट्रेन बुकिंग जो है वो कर सके। आगे सारी कुछ मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे, ट्रेन की बुकिंग कैसे करनी है, कैंसिल कैसे करनी है, तमाम जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।